पान पराग यूजलेस खिलाड़ी, 5 बॉलर खिला लो, 5 बैट्समैन खिला लो, 20 में रियान पराग, एटीट्यूड 100%, परफॉर्मेंस 0%, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर शेर, आईपीएल के अंदर बिगी बिल्ली, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ऐसी कई सारी ट्रोलिंग हुई। मैं बात कर रहा हूँ रियान पराग की। एक वक्त का पान पराग आज वापस रियान पराग कैसे बन गया और क्यों सब लोग उसको ट्रोल कर रहे थे और आज क्यों सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि कमबैक हो तो रियान पराग जैसा, तो आइए जानते हैं आज की वीडियो के अंदर। But the reason they've brought Jason Holder into that side is their side was very clear. 6 batters, 5 bowlers. No, yeah. Never the 5 batters, 5 bowlers and Rayan Parakh. Faltu mein aayenge, do teen chhakke marenge, phir jayenge. I can be the best finisher, not just for Rajasthan Royals, but for India in years to come. रियान 2018 और 19 के अंदर असम की तरफ से घरेलू क्रिकेट के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले बल्लेबाज थे। उसका घरेलू क्रिकेट के अंदर लगातार सफल प्रदर्शन देखते हुए राजस्थान वालों ने आईपीएल 2019 के अंदर अपनी टीम का हिस्सा बनाने का नक्की किया और आईपीएल 2019 के अंदर रियान पराग को उसकी बेस प्राइस 20 लाख देकर राजस्थान वालों ने उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। अब 2019 की आईपीएल रियान पराग के लिए बहुत ही बेहतरीन रही। अब 32 के एवरेज से उसने 7 मैच के अंदर 160 रन बनाए और आईपीएल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाले क्रिकेटर बन गए और वहीं से हर क्रिकेट प्रेमी और हर आईपीएल लवर की नजरों के अंदर आ गए थे। अब आईपीएल 2019 के अंदर ना सिर्फ रियान का बल्ला चला था लेकिन उसने बॉलिंग के अंदर भी बेस्ट प्रदर्शन किया था और वहां पर भी उसने 2 विकेट चटकाई थी। अब आईपीएल के अंदर मात्र 16-17 साल के लड़के का ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा तो हर क्रिकेट प्रेमी की उस पर नजर जाएगी और हर क्रिकेट प्रेमी उसको भारत का भविष्य बताएगा, तो बस सेम वैसा ही हाल उस वक्त हो गया था। हर क्रिकेट लवरों ने रियान पराग से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख ली थी। अब 2019 का आईपीएल रियान पराग के लिए बेस्ट गया था तो राजस्थान वालों ने वापस 2020 उसकी बेस्ट प्राइस 20 लाख देकर रियान पराग को अपनी टीम के अंदर उसको वापस कर लिया। लेकिन आईपीएल 2020 रियान पराग के लिए बहुत ही बेकार रहा और यहीं से रियान पराग का डाउनफॉल भी शुरू हुआ और ट्रोलिंग भी शुरू हुई। रियान ने 12 मैच के अंदर 12 के औसत से मात्र 86 रन बनाए जो कि बहुत ही बेकार प्रदर्शन था। लेकिन ये रियान पराग का दूसरा आईपीएल सीजन था तो हर किसी ने यही सोचा कि लड़के का दूसरा आईपीएल है तो कहीं ना कहीं उसका बल्ला खामोश रहेगा, तो उस वक्त उसकी किसी ने ट्रोलिंग नहीं की थी और ज्यादा उस पर किसी ने टिप्पणी भी नहीं की थी और उसकी वजह से राजस्थान वालों ने भी उसको वापस 2021 के अंदर अपनी टीम का हिस्सा बनाने का तय किया और रियान पराग को वापस 2021 के अंदर उसकी बेस प्राइस 20 लाख देकर राजस्थान वालों ने अपनी टीम के अंदर वापस कर लिया। अब आईपीएल 2021 के अंदर हर किसी को उम्मीद थी कि अब रियान पराग वापस कमबैक करेंगे लेकिन उसकी उम्मीद पर रियान पराग ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया, क्योंकि जो रियान पराग आईपीएल 2020 के अंदर 12 के औसत से रन बना रहा था वही रियान पराग अब 2021 के अंदर मात्र 11 रन से, यानी कि पिछले आईपीएल सीजन से भी 1 रन की कम औसत से रन बना रहा था जो हर किसी की आंखों में खटक रहा था और यहीं से ज्यादा ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब हर कोई मान रहा था कि आईपीएल 2022 के अंदर जो मेगा ऑक्शन होने वाला है वहां पर राजस्थान वाले रियान पराग पर तो बोली नहीं लगाएंगे, लेकिन सबकी सोच से उल्टा राजस्थान वालों ने रियान पराग पर बोली लगाई और राजस्थान वालों ने रियान पराग को 3,80,00,000 जैसी भारी प्राइस देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया और यही हर क्रिकेट प्रेमी के लिए चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि रियान पराग का बल्ला तो चल नहीं रहा था लेकिन राजस्थान वाले उसे ना तो टीम से ड्रॉप कर रहे थे और ना ही राजस्थान वालों ने आईपीएल 2022 के अंदर किसी और टीम का पार्ट बनने दिया। आईपीएल 2022 के अंदर भी रियान पराग का प्रदर्शन बहुत ही बेकार रहा, उसका बल्ला इस बार भी खामोश रहा, लेकिन हाँ उसने आईपीएल 2022 के अंदर बेहतरीन काम किया था और वो काम किया था उसने फील्डिंग के अंदर, क्योंकि उसने आईपीएल 2022 के अंदर एक खिलाड़ी की तरह खेलते हुए 22 कैच पकड़े थे जो कि विकेट कीपर संजू सैमसन के बाद दूसरे नंबर पर थे। अब रियान पराग का बल्ला तो चल नहीं रहा था लेकिन उसका मैदान पर बेकार रवैया खत्म नहीं हो रहा था, उसका एटीट्यूड चरम सीमा पर था और तो वो मैदान पर नाचते हुए भी नजर आते थे, तो अब हर किसी की आंखों में रियान पराग नाम का शब्द खटक रहा था और यहीं से उसकी ट्रोलिंग ज्यादा शुरू हो गई। अब ना सिर्फ सोशल मीडिया पर फैंस हेट कर रहे थे और उसकी ट्रोलिंग कर रहे थे लेकिन अब तो क्रिकेट के एक्सपर्ट और क्रिकेट के कमेंटेटर भी रियान पराग को एक यूजलेस खिलाड़ी बता रहे थे। 6 बैटर्स, 5 बॉलर्स। नो, नेवर द 5 बैटर्स, 5 बॉलर्स एंड रियान पराग। रियान पराग ने 2022 के अंदर 17 मैच खेली और वहां पर भी उसने 16 रन के औसत से 183 रन बनाए जो कि बेकार प्रदर्शन था। अब हर किसी को लग रहा था कि राजस्थान वालों को रियान पराग को ड्रॉप कर देना चाहिए लेकिन राजस्थान वाले उसको लगातार मौके पे मौके दे रहे थे। अब रियान पराग का बल्ला डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बहुत ही बेहतरीन चल रहा था लेकिन पता नहीं आईपीएल के अंदर आते ही रियान पराग का बल्ला पूरी तरीके से खामोश हो जाता था। अब डोमेस्टिक के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे उसकी वजह से राजस्थान वाले उसको लगातार मौके दे रहे थे, तो सेम वैसा ही कुछ 2023 की आईपीएल के अंदर हुआ।
डोमेस्टिक के अंदर उसका बेहतरीन प्रदर्शन था। तो वापस राजस्थान वालों ने आईपीएल 2023 के अंदर भी उसको अपनी प्लेइंग 11 के अंदर खिलाया, लेकिन आईपीएल 2023 के अंदर भी रियान पराग का बल्ला तो पूरी तरीके से खामोश था। लेकिन उसका बल्ला पूरी तरीके से खामोश था लेकिन उसका रवैया और एटीट्यूड शर्म सीमा पर थे। अब एक तरफ रियान पराग की ट्रोलिंग चल रही थी और दूसरी तरफ रियान पराग भी इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे थे कि मैदान के अंदर जाएंगे, चार छक्के लगाएंगे और घूमकर वापस आ जाएंगे, ना सिर्फ राजस्थान रॉयल का लेकिन इंडिया का बेस्ट फिनिशर बनना चाहता हूँ। फालतू में आएंगे, दो तीन छक्के मारेंगे फिर जाएंगे। आई कैन बी द बेस्ट फिनिशर नॉट जस्ट फॉर राजस्थान रॉयल्स बट फॉर इंडिया इन इयर्स टू कम। ऐसे बयान की वजह से फैन ज्यादा भड़क गए कि पहले बल्ला तो चलता नहीं है तुम्हारा और तुम इंडिया के फिनिशर बनने की बात करते हो। अब राजस्थान वाले भी शायद आईपीएल 2024 के अंदर इसको मौका नहीं देते, लेकिन रियान पराग ने वापस इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस किया। अब रियान पराग ने रणजी ट्रॉफी के अंदर बैक टू बैक 7 अर्धशतक लगा दिए, तो राजस्थान वालों ने आईपीएल 2024 के अंदर वापस रियान पराग को एक मौका दिया। लेकिन इस बार शॉट की वजह से एनसीए से बाहर निकला हुआ एक खिलाड़ी पान पराग नहीं था, रियान पराग 2.0 था। आईपीएल 2024 के अंदर रियान पराग की जीत नहीं थी या फिर रियान पराग का ही कमबैक नहीं था, लेकिन राजस्थान मैनेजमेंट का एक भरोसा था कि खिलाड़ी आज नहीं तो कल हमारी टीम के लिए बेस्ट प्रदर्शन करेगा और उस मैनेजमेंट की विजय हुई थी। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही रियान पराग को नहीं खिलाते तो रियान पराग कहीं ना कहीं से अपने दिमाग से ही टूट जाता। जो रियान पराग आईपीएल 2020 से लेकर आईपीएल 2023 तक यानी कि लगातार 4 सीजन तक 20 की औसत से भी बाहर नहीं जा पाया था, वही रियान पराग आईपीएल 2024 के अंदर 72 रन की औसत से रन बना रहा है और हर मैच को डिप में ले भी जाता है, अपनी टीम को मैच जीता भी देता और हर बॉलर की धुलाई करता हुआ भी नजर आता है। और वनडे कप की रेस के अंदर भी विराट कोहली के बाद दूसरे दावेदार बन गए हैं। एक वक्त पर हर किसी ने मान लिया था कि अब रियान पराग का करियर खत्म हो गया है, लेकिन रियान पराग ने और राजस्थान मैनेजमेंट वालों ने नहीं माना था ये खिलाड़ी का आईपीएल करियर खत्म हो गया है। और रियान पराग ने बेहतरीन कमबैक किया भी और उसके कमबैक की वजह से आज हर कोई कह रहा है कि कमबैक हो तो रियान पराग जैसा। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी पान पराग से लेकर रियान पराग 2.0 की। अगर आपको एक कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।